बिहार के अररिया में बाढ़ के भीषण तबाही मचाने का जो वीडियो देखकर दिल दहलने वाले, इस वीडियो को देखकर सामने आ रही है ये खबरें। आपको बता दें, अररिया बहादुरगंज मुख्य मार्ग NH 327 जीरो माइल के पास कोसी नहर के पुल के पास जब तेज पानी पुल को काट रहा था, तभी एक महिला और दो बच्चे पार करने के दौरान बह गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बाढ़ की तबाही का दिल दहला देने वाला वीडियो जो अब वायरल हो रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, बाढ़ की तबाही का वो मंजर जहां भागते हुए दो बच्चे और एक महिला जो है वो भागकर वो सड़क पार करना चाहती हैं, लेकिन सड़क जो है उसी पल टूट जाती है, पुल जो है वो ढह जाता है और वो तीनों जो है पानी में बह जाते हैं। अररिया बिहार का ये वीडियो जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पर ये जब कुदरत की मार पड़ती है तो उस मार के आगे बचना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। और तभी कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, क्योंकि इस पुल पर अभी बहुत सारे लोगों ने क्रॉस किया है, लेकिन ये जो तीन शख्स हैं, दो बच्चे और एक महिला, शायद इनकी जीवन लीला ऐसे ही समाप्त होनी थी। बाढ़ की तबाही का ये दिल दहला देने वाला वीडियो जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अररिया बिहार से सामने आया है। इस पुल पर देखिए, काफी सारे लोगों ने पार किया है, कुछ लोग इधर की तरफ गए हैं इस पुल को पार करके और कुछ लोग इधर की तरफ से उधर आए हैं, तो सामने भी काफी लोग खड़े हैं। लेकिन जब ये दो बच्चे और महिला ही सिर्फ इस पुल पर रह जाते हैं भागते हुए, और तभी ये जो पुल है वो एकदम से गिरता है। देखिए, तमाम लोग पार कर गए हैं, कुछ इधर जा रहे हैं कुछ उधर जा रहे हैं, लेकिन ये दो बच्चे और जब महिला पार करने की कोशिश करते हैं तब अचानक से जो है ये पुल ढह जाता है, और जिसमें दो महिला और एक बच्चे जो है वो पानी में बह जाते हैं। लेकिन जो एक शख्स उनके साथ भाग रहा था, पार कर रहा था, वो किसी तरीके से जो है पुल के किनारे पर लटका रह जाता है। तो ये जो है दिल दहला देने वाला मंजर आंखों के सामने, जिस तरह से बाढ़ ने तबाही मचाई है अररिया बिहार में, वाकई दिल को दहला देने वाला ये वीडियो है कि जिंदगी कुछ क्षण में भी खत्म हो सकती है और वो क्षण जो है दूसरा मौका नहीं देता। तो एक ऐसा ही ये क्षण है जहां पर इन दो बच्चों और एक महिला को दूसरा मौका नहीं दिया प्रकृति ने, और ये उस पुल के टूटते ही जो है इस बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। अररिया बिहार का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल, ये जो तस्वीरें हैं, वाकई ये मंजर दिल दहला देने वाला है। चलिए एक बार फिर से दिखा दें, बिहार के अररिया में बाढ़ के भीषण तबाही मचाने का जो ये वीडियो है जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, ये तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, एक क्षण में जो है वो जिंदगी खत्म हो जाती है, क्या वाकई क्षण लगता है जिंदगी खत्म होने के लिए? तो वाकई इस वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि किस तरह अपनी जिंदगी जो बेहद कीमती है और वो किसी भी वक्त किसी भी क्षण जा सकती है। देखिए, ये जो पुल है अररिया का, इसको लोग पार कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अचानक से ये पुल उस समय टूटता है जब दो बच्चे और एक महिला भागकर इस पुल को पार कर रहे होते हैं, तो ऐसे में वो तीनों जो है नहीं बच पाते हैं और बाढ़ के पानी के साथ बह जाते हैं। दिल दहला देने वाला ये वीडियो, अररिया बहादुरगंज मुख्य मार्ग NH 327 ये जीरो माइल के पास कोसी नहर पुल, जो ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, कोसी नहर पुल, हजारों जिंदगियां वहां खड़ी थी लेकिन इन्हें कोई बचा नहीं सका क्योंकि तेज पानी ने इस पुल को काट दिया और शायद इन दो बच्चों और इस महिला को भी, इनकी जिंदगी को भी काट दिया। बाढ़ की तबाही का दिल दहला देने वाला वीडियो, अररिया बिहार से हम आपको वही वीडियो दिखा रहे हैं। पुल पार करते समय तीन लोग बहे हैं, जीरो माइल के पास कोसी नहर पुल हम आपको दिखा रहे हैं जिसे पानी ने काट दिया है, बाढ़ के पानी ने काटा है इस पुल को। और जिस तरह से देखिए, लोग इससे पहले इस पुल को पार कर चुके हैं, लेकिन ये पुल जब गिरता है, पानी इसे काट देता है, तब उस समय दुर्भाग्यपूर्ण जो है दो बच्चे और एक महिला
अपनी जिंदगी गवा देते हैं क्योंकि ये पुल जो है कट जाता है और उसका जो जुड़ाव है वो सड़क से टूट गया। अपने दर्शकों को बता दें, एक महिला और एक बच्चा जो है वो इस पुल को नहीं पार कर पाए हैं। और बहरहाल बाढ़ की तबाही का ये जो दिल दहला देने वाला वीडियो है, हालांकि उनके साथ भागता हुआ एक शख्स और भी है, लेकिन वो समय रहते जो है सड़क के किनारे रह जाता है, वो सड़क को पकड़ने में कामयाब रहता है, लेकिन वो बच्चा और महिला अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं और बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। एक बीघा आदमी खेत है।